बड़कोट में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां डॉक्टर ने पहले तो शादी का झांसा देकर एक युवती को अपने प्यार में फंसाया और फिर शादी से इनकार कर दिया। मामले को लेकर युवती कई दिनों से धरने पर है और न्याय की गुहार लगा रही है। युवती ने पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के मुंगरा गांव में निजी डेंटल क्लिनिक चला रहे डॉक्टर रवि परमार ने एक युवती को शादी का झांसा देकर पहले तो प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी से इनकार कर दिया। युवती मुंगरा गांव की गौशाला में रहकर पिछले 6 महीने से न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन डॉक्टर युवक के परिजनों ने गौशाला से युवती का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद युवती खुले बरामदे में तिरपाल बांधकर रहने को मजबूर है। युवती के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई है। गंभीर हालत में युवती को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया है। मामले को लेकर युवती पहले भी कई बार शिकायत पुलिस से कर चुकी है, पर पुलिस ने इस मामले में युवती की कोई मदद नहीं की। पीड़ित युवती का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर अभद्रता की। साथ ही युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर से पैसे लिए हैं, इसलिए पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जयलक्ष्मी ये बड़कोट क्षेत्र की रहने वाली है और इसने थाना बड़कोट में तहरीर दी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत है और विवेचना चल रही है। और एक मुकदमा उसने एक तहरीर एसडीएम साहब को भी दी थी, तो उसमें जांच के बाद भी उसमें मुकदमा कायम है, वो प्रोग्राम में मुकदमा कायम किया गया है। और ये शादी का प्रकरण है और जो लड़का पक्ष और इनके आपस में जो मन मुटाव हुआ है और आपस में बात करने के लिए भी हमने बहुत कोशिश करी है, इसको दोनों मुकदमा विवेचना चल रही है और न्याय। मेरे को सर यहाँ पे कोर्ट मैरिज के थ्रू मतलब इन लोगों ने ऐसे फंसाया है सर मेरे साथ, मतलब बहुत बड़ा मतलब इन्होंने जाल साजिश करी है मेरे साथ कि मुझे कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट में कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन करवाते हैं, कोर्ट मैरिज में मेरी शादी का मतलब रिंग सेरेमनी होती है, सबके सामने मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं और अपने मतलब रिश्तेदारों के सामने मुझे वहाँ से उसके बाद घर लेके जाते हैं, अपने होटल लेके आते हैं सर यहाँ पे मुंगरा गाँव नौगाँव में, वहाँ पे कुछ दिन तक मेरे को होटल में रखते हैं, फिर उसके बाद होटल के रखने के बाद कुछ दिन फिर मुझे के बाद मुझे घर लेके आते हैं, घर लाते हैं, फिर घर में मेरे को छानी में रखा जाता है सर, फिर उसके बाद मैं छानी में रहती हूँ 5-6 महीने से मैं छानी में ही रह रही हूँ, अपना जीवन वहीं पे यापन कर रही हूँ। कैसे कहाँ मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, मैं 8 महीने के बाद मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मेरा सामान है। इस पर कंप्लेन करी, केस किया, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबको जब पुलिस को पता है, गवाही हो रही है कि सबने कि उन्होंने सामान यहाँ से हटाया है, ताला तोड़ा है, उसके बावजूद ही पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है, इसके पीछे क्या है, या तो इन लोगों ने पैसे खा रखे हैं इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं, या लोग ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो अगर ये लोग इनके खिलाफ कुछ करना ही नहीं चाहते हैं तो ऊपर से सर यहाँ पे आते हैं, जब मैं पुलिस पूर जो थाना इंचार्ज अशोक कुमार हैं परोला के, वो यहाँ आते हैं मेरे साथ बदतमीजी करते, पूरी पुलिस फोर्स लेकर के आते हैं, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं, मुझे पर्सनली केस की धमकी मतलब फाइल करने की धमकी देते हैं कि हम तुम पे केस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।